बस यही तो मैं चाहती थी कि हल्की हल्की धूप निकली हो, एक तरफ समुद्र हो, दूसरी तरफ जंगल, एक बहुत सिंपल सी शादी, और हमारे आसपास सिर्फ वो हो जो हमारी खुशी में खुश हो। वो सारे दोस्त जिनसे हम बहुत वक्त से नहीं मिले हैं, वो सब वहां आए हुए हैं। मैं तुम्हारे सारे दोस्तों से पहली बार मिल रही हूँ और तुम मेरे दोस्तों से। मेरे ज्यादातर दोस्त तो पेरिस जाकर वहीं पर सेटल हो गए हैं। तो हम उन्हें भी बुलाएंगे। मैं चाहती हूँ कि उस दिन सारे करीबी लोग हमारे साथ वहां हों। ऐसा एक इंसान ना हो जो हमारी खुशियों से खुश ना हो। तुम अपने पापा को नहीं बुलाओगी? सोचना पड़ेगा, वैसे अभी तो वो तुम्हारा सच नहीं जानते हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगी। तुम्हारे हर एक सपने को सच करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा, ये मेरा वादा है। आखिरकार सब खत्म हुआ, अब तो तुम खुश हो ना? सुहान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। वो आदमी जेल के अंदर भी शांत नहीं रहेगा, पर अब कम से कम वो हम सबसे दूर तो है, हमारी जिंदगियों से दूर है, और वो अब आराम से आजाद नहीं घूम रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं यहां नहीं रह सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और किस नहीं, सब दोबारा नहीं हो सकता। मुझे यहां से किसी भी तरह निकलना ही होगा। ये क्या किया तुमने, पागल हो गए हो क्या? खुद के साथ इतना कुछ कर लिया और अब इस इंजेक्शन से डर लग रहा है? रात भर आराम से सो जाना, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। हाँ, और अगर जरूरत पड़ी तो कल दोबारा तुम्हें एक और इंजेक्शन लगा देंगे, लेकिन किसी साइकेट्रिस्ट को जरूर दिखा देना। कोई दवा लेते हो अभी? नहीं। पहले कभी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हुई? नहीं। मैं रिपोर्ट्स बनाता हूँ, कोर्ट में तुम्हारी मदद हो जाएगी, तुम्हें पागल खाने भेज दिया जाएगा। इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं जा सकता हूँ? मुझे टॉयलेट गए हुए काफी देर हो चुकी है। ठीक है, जाओ। चलो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपनी भलाई के लिए बाहर ही रुकना पसंद करता। क्या लग रहा है, यहां से भाग जाऊंगा मैं? बकवास बंद करो, जल्दी करो। अरे भाई, मैं हूं। टाइम वेस्ट मत करना, परेशान मत हो, बस दो मिनट। Thank you.
ये हॉस्पिटल है कि क्या है, अब तुम ही बताओ। एक नैपकिन भी नहीं रख सकते? क्या हुआ, उसके बारे में सोचना बंद करो, सो जाओ। उसके बारे में नहीं, वैसे तुम सोच क्या रही हो सुहान? फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, हमारा बेबी, अब कैसी होगी हमारी दुनिया? क्या हो गया? इतनी रात में मुझे भूख लगी है। तो क्या खाना है बताओ, मैं बना देता हूँ। इतनी रात में तो मैं कुछ भी खा लूंगी। तो ठीक है, आप बेड पर खाना पसंद करेगी या बाहर चलें? जहां तुम अपने हाथों से खिलाओगे। साथ में किचन में चलना पड़ेगा। लाइट्स ऑन। अब तुम यहां पर बैठकर इंतजार करोगी और मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल मिडनाइट सैंडविच बनाऊंगा। तुम जहां चाहो वहां बैठकर खा लेना, ठीक है? और ये तुम्हें अच्छा जरूर लगेगा। वैसे मुझे एक बात जाननी थी, पूछूं क्या? क्या जानना है? यही कि तुम मंदिर क्या सोच रही थी, कैसा होगा हमारा फ्यूचर, कैसी होगी हमारी जिंदगी, हम क्या चाहते हैं, तुम मुझसे क्या चाहती हो, आगे जिंदगी में क्या करना है? हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? तुम्हें घर पसंद नहीं है क्या? नहीं, मुझे ये घर तो पसंद है, मगर मैं कोडलुदाग से दूर जाना चाहती हूँ, और शायद तुम भी यही चाहते हो। अब तक तुम्हें इस शहर से नफरत होगी। वैसे मुझे यहाँ रहना इतना भी बुरा नहीं लगता है। तुम्हें पता है मैं इस जगह से नफरत क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि हम दोनों यहीं मिले थे। पर तुम जहां भी चाहो हम वहां रह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें याद है मैंने बताया था कि तुम्हारे साथ मैं कहीं भी रह लूंगा। कभी कभी जब तुम्हारा मूड अच्छा होता है तो तुम बहुत ही प्यारी बातें करते हो। पर ज्यादातर तो इसका उल्टा ही होता है। अगर तुम बदला लेने के मूड में होते हो तो हाँ। और ये आपका सैंडविच तैयार है। अब खाकर बताइए। वैसे ये काफी अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा था ना, पूरे इस्तांबुल में ऐसा सैंडविच कहीं नहीं मिलेगा। तो ये बात है। ओके। तुम तो गिरा रही हो, ये लो। बहुत टेस्टी बना है। वैसे लोग कहते हैं मेरे हाथों में जादू है। क्योंकि मेरा नाम बहुत से बड़े केसेस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जब तक ट्रायल्स खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ। पर सब खत्म होते ही तुम जहां भी चाहोगी हम दोनों वहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं, बस तुम, मैं और हमारा बेबी। I love you, Swan. कुछ सोचना शुरू करती हूँ और फिर कुछ ऑप्शंस चूज करके तुम्हें बता दूंगी। आई लव यू। मुझे
मुझे टॉयलेट आई है, गाड़ी को 2 मिनट के लिए कहीं किनारे पर रोक दीजिए प्लीज। अभी वहाँ गए तो थे? तब नंबर 2 था, अब नंबर 1 है। थोड़ी देर रोक कर रखो। रोक पाता तो रोक लेता। हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहो, पर फिर बाद में मुझसे कार की सफाई मत करवाना। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या? ठीक है, 2 मिनट के लिए साइड में लगा दो, वरना फालतू में हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। सीज़ा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा? मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा सुहान। कोई तुम दोनों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों को। तुम परेशान मत हो सीज़ा, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम फिक्र मत करो, अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। आ जाओ पास, आ जाओ। सही वक्त पर आए हो, जल्दी खोलो। जो कहा था सब लेकर आया हूं। हाँ भाई, सब लाया हूं। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब जल्दी चलो। मुझे एक फोन करना है, वकील से बात करनी है। वकील साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको मुझे बचाना ही होगा, वरना आज रात ये लोग मुझे बहुत मारने वाले हैं। सेफ में जो भी हो सब लेना और अपना हिस्सा भी ले लेना। ठीक है भाई, पर आप पुलिस स्टेशन में? आज रात को हॉस्पिटल पहुंचो, बाथरूम में वेट करना, वहीं अंदर कहीं छुपे रहना। सेफ में जो रखा है उसे ध्यान से वहीं छुपा देना। तुमने मूवीज में देखा होगा ना,
भाई ये तो गन है। ठीक है, फिर कार से यहाँ पर नजर रखना, समझ गए? समझ गया भाई। ये आपने मुझे किस प्रॉब्लम में फंसा दिया है भाई? पुलिस वालों को मारने की क्या जरूरत थी? वो लोग अब हमें छोड़ने नहीं वाले, देख लेना। तो तुम्हें क्या लगा था मैंने गन क्यों मंगाई थी? तुम्हें क्या लगा हम उन्हें गन दिखाकर डराएंगे और भाग जाएंगे? अगर आपके साथ मैं भी फंस गया ना तो... आप फंसते अगर मुझे बचाते नहीं तो। किसी के भी सामने गलती से ये मत कहना कि हमने अदालत को मारा है और उसे दफना दिया है। गलती से भी ये सब कबूल मत करना। और याद रहे, तुम जो भी कर रहे हो उसका पैसा मिलेगा। खत्म करो, चलो जल्दी, पूरी प्लेट साफ होनी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ठीक है, खा रही हूँ। पर तुम जानती हो ना, ये सब खाकर मैं मोटी हो जाऊंगी। हाँ जानती हूँ। फिर तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। अच्छा एक मिनट, आपके रोमांस को बीच में रोकने के लिए सॉरी, पर आप लोगों ने शादी के बारे में कुछ सोचा है या नहीं? अच्छा होगा अगर तुम लोग इसका पेट निकलने से पहले शादी कर लो, वरना पूरा शहर उल्टी सीधी बातें करने लगेगा। मुझे देखकर लगता है कि मुझे सबसे कोई फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ये सही कह रही है, अब हमें जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वरना शादी की ड्रेस फिट नहीं होगी। इस बार मैं गाउन पहनना चाहती हूँ। सच में कितनी अच्छी लगोगी तुम, इस बार तुम वो सब कुछ करोगी जो पिछली बार नहीं किया। गाउन, पिक्चर्स, मेहंदी सेरेमनी, शादी, उसके बाद रिसेप्शन, तुम्हें कुछ करना हो या ना करना हो, पर मैं इस बार नहीं रुकूंगी। पिछली बार तो मैं तुम्हारी शादी में आ भी नहीं पाई थी, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अगर इस बार तुमने मुझे नहीं बुलाया ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। तुम्हारे बिना मैं शादी कर सकती हूँ क्या? इसकी खुशी तो देखो। और है तो क्या। सुनिए भाई, प्रोसिक्यूटर साहब मिलने आए, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब क्या हो गया? माफ करना मुझे, मैं सुबह सुबह बिना बताए चला आया। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए क्या हुआ, सब ठीक है ना? दरअसल मैं तुम्हें खुद बताना चाहता था, इसलिए आ गया। रिजा भाग गया।